आज 15 अगस्त से आने वाले 4, 5, 6 सप्ताह देश के अलग अलग कोने में इस टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग शुरू हो रहा है और फुल प्रूफ बनाने की दिशा में ये प्रयास चल रहा है। और फिर ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा और देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। टायर 2, टायर 3 सिटी में नए अस्पताल बनेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल स्टाफ लगेगा, बहुत बड़े रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे।